रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका समेत नेटो देशों के हथियारों पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ रूस अमेरिका के हथियारों से निपटने के लिए अपने बेड़े में नए नए अत्याधुनिक हथियार इकट्ठे कर रहा है, और अब इसी कड़ी में रूस ने उन्नत तकनीक वाले हवा में लंबी दूरी तक रेडार से निगरानी और मार्गदर्शन प्रणाली से लैस नए A-50U एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये विमान हवा में दूर तक उड़ान भरते हुए दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन्स और अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को अपने ऊपर लगे एडवांस रेडार सिस्टम से ट्रेस करके रूसी सेना को पहले से ही आगाह कर देगा। इस एयरक्राफ्ट को रूस की रोज इलेक्ट्रॉनिका और द यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने मिलकर बनाया है। A-50U पहले से ही मौजूद A-50 का एडवांस वर्जन है। रोस्टेक के अनुसार ये विमान नए प्रकार के विमानों का पता लगा सकता है, साथ ही अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक साथ बड़ी संख्या में लक्ष्यों और निर्धारित लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सकता है। आधुनिक उपकरणों की वजह से विमान का वजन भी कम हुआ है, जिसकी वजह से लड़ाकू अभियानों को अंजाम देते समय हवा में विमान की सीमा और समय काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि फरवरी 2022 के अंत में बेलारूस के माचुलिस्ची हवाई अड्डे पर एक ड्रोन हमले में रूस का A-50U विमान क्षतिग्रस्त हो गया था, जो रूसी एयरफोर्स के लिए एक बड़ा नुकसान था। इसलिए इसी साल जुलाई में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रूसी सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ मीटिंग में A-50 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के एडवांस वर्जन को जल्द ही सेना में शामिल करने पर जोर दिया था, और अब यूक्रेन के बढ़ते ड्रोन हमलों से निपटने में ये एयरक्राफ्ट रूस के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। अब आपको बता दें कि इस विमान की खासियत क्या है। ये विमान क्रूज मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकता है। बेहतर प्रदर्शन मैट्रिक्स और स्पीड के साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस है। अच्छी रेजोल्यूशन वाले नए LCD मॉनिटरों के कारण विमान पर रेडार डिस्प्ले सिस्टम अधिक प्रभावी हो गया है। नए उपकरणों से लैस होने से हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों को ज्यादा तेजी से ढूंढने और कमांड सेंटर को सूचित करने में सक्षम है। A-50U द्वारा एक बार में 300 से ज्यादा हवाई लक्ष्यों को ट्रैक किया जा सकता है। एडवांस इंजन की वजह से कम ईंधन की खपत से लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये विमान 650 किलोमीटर दूर बम वर्षक और 215 किलोमीटर दूर क्रूज मिसाइलों का पता लगा सकता है। ड्रोन जैसे छोटे लक्ष्यों का भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि जो F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को नेटो देशों से मिलने वाले हैं, उनको भी ये विमान अपने अत्याधुनिक उपकरणों से ट्रेस करने में सक्षम है। ऐसे समय में जब यूक्रेन ने रूस के भीतर उसके सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले काफी तेज कर दिए हैं, तब A-50U के रूसी एयरफोर्स में शामिल होने से रूस की वायु क्षमता को कई गुना बढ़त मिल जाएगी।